सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आप सभी के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये दुख, मुसीबत, ये परेशानियां जब आती है तो क्या संत सतगुरु प्यारे बाबा जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और अगर रहते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर इतने दुख, तकलीफें, इतनी परेशानियां क्यों आती है। और जब कई लोग ऐसे होते हैं कि इन दुख, मुसीबत, परेशानियों को देखकर हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं और मुसीबतों में उलझकर वहां पीछे हट जाते हैं और अपनी जिंदगी के अमूल हिस्से को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि दुख सुख तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यदि कोई चीज हमें मुफ्त में मिल जाए, उसके लिए हम परिश्रम ना करें, तो बेटा हम कहाँ कोई कदर कर पाएंगे। तो बाबा जी महाराज जी देखिए हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं और हमें हर वक्त संभाले रखे हैं। बस कहीं अगर कोशिश करनी है, कहीं पहचान करनी है, तो हमें स्वयं को करनी है। तो छोटी सी एक मोटिवेशनल स्पीच आप जी के लिए हम लेकर आए हैं, तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं आप हमेशा अपना दिल साफ रखें और कभी भी दिल को ना दुखाएं और ना ही मन छोटा करें। कभी आप अपने मन में ऐसा ना सोचें कि आप एक पल के लिए भी अकेले हो, या आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि वह मालिक तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है या आपकी कोई देख रेख ही नहीं कर रहा है। आपको कभी भी ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाना है कि मैं तो अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरा तो कोई सहाय ही नहीं, मेरी तो कोई संभाल करता ही नहीं। सत्संग जी, आपको वह परमपिता परमात्मा और संत सदगुरु की तरफ से हर एक पल दया मेहर मिल रही है, उसकी रहमत आप पर बरस रही है। बस कोशिश करें उसको महसूस करने की, क्योंकि आपका हाथ उस कुल मालिक ने थाम रखा है जिसने सारी दुनिया की रचना की है। तो यह दुख, सुख, मुसीबत, परेशानियां, हानि, लाभ, क्या मजाल कि आपको डगमगा दे। सत्संग जी, जिसकी आपको आवश्यकता है, पर कभी कभी हमारे कर्म इतने भारी हो जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वह मिल नहीं पाता, तो कर्मों का भार कुछ इतना अधिक होता है कि उसकी कारण कभी कभी हमारे शरीर और हमारे मानसिक जो तनाव रहते हैं यह दुख का कारण बन जाता है, या कभी कभी यह दुनियावी जो बाहरी रीति रिवाज है यह भी हमें इनके कारण दुख तकलीफों से गुजरना पड़ जाता है। पर आप विश्वास मानिए, जिन मुसीबतों, जिन परिस्थितियों से आप आज गुजर रहे हो, सत्संग जी, वही कल को आपको संत सदगुरु की तरफ ले जाने वाला रास्ता रहेगा, वही आपको कुल मालिक से उतना अधिक करीब ले आएगा। क्योंकि जितनी दुख, तकलीफ, परेशानियां, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आएगी, हम यदि संत सदगुरु पर, उस कुल मालिक पर सच्चा भरोसा रख के भजन सुमन करते रहेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम अंदर से उस मालिक से रिश्ता जोड़ते जाएंगे और उनके सामने यह रास्ता हमें ले जाकर खड़ा कर देगा। दुख, सुख, मुसीबत, परेशानियां हमारी जिंदगी में अगर आ रही है, तो समझो उस मालिक के घर से हमें कोई ना कोई सहारा जरूर मिल रहा है। तभी तो हमारी जिंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानियां सामने आई है, क्योंकि वह मालिक भी उन्हें ही देता है जो उनको सह लेता है। सत्संग जी, देखिए कोई भी चीज जब तक अगर निखरना है तो वहां जब तक संघर्ष नहीं करेगी तपेगी नहीं। जिस तरह से कि सोने को भी प्योर बनाने के लिए पहले ऑक्स गुजरना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा को अगर निखरना है, उस मालिक के लिए लायक बनाना है, तो पहले इन संघर्षों की जो आग है उसकी भट्टी से तो उसे गुजरना ही पड़ेगा, इन दुख, सुख, मुसीबतों की आग में तो उसे जलना ही पड़ेगा। कभी भी हमें इस बात के लिए उस मालिक को गलत नहीं ठहराना कि आपने ये नहीं किया, आपने मेरे को दुख दिया, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे कभी सुख मिला ही नहीं। कभी भी अपनी इन भावनाओं से उस मालिक की तरफ उंगली ना उठाएं और ना ही कभी किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें। सत्संग जी, वहां परमपिता परमात्मा भली भांति हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि हम कितने असहाय हैं, हम कितने निर्बल हैं और हम किन दुख, मुसीबतों से अपना जीवन गुजार रहे हैं।
सत्संग जी, अगर कोई जीव आत्मा जो कि दुखी है तो वहाँ पर मालिक, वहाँ परमपिता परमात्मा संत सदगुरु दुख सब जानता है कि हमें क्या दुख है, क्या परेशानी है। उसके बाद भी हम इस संघर्ष जो कि जिंदगी का है, इसमें दुख मुसीबत परेशानियों का सामना कितने प्रेम प्यासों, कितने हिम्मत और विश्वास से संत सदगुरु पर विश्वास करके कर रहे हैं। तो संत सदगुरु अगर विश्वास उन पर रखेंगे तो वहाँ ध्यान रखना, वक्त बदलने की ताकत रखता है वह मालिक, और हमारा वक्त जरूर बदलेगा। सत्संग जी, देखिए यहाँ हर एक इंसान इसी आस से तो अपना जीवन जी रहा है कि आज जिन परिस्थितियों, मुसीबतों से, दुख से गुजर रहे हो, कल को संत सदगुरु हमारी हर एक दुख मुसीबत और परेशानियां दूर करके हमें एक नया जीवन दे देगा। सत्संग जी, बस हमें यह करना है कि हमारे अपने जो कर्म हैं उन्हें भली भांति देख परख कर करना है और मालिक के हुक्म में रहकर कर्म करना है। कोई भी ऐसा कर्म ना करे कि वह मालिक की नज़र में हम गिर जाएं। सत्संग जी, उसके बाद कुल मालिक की दया मेहर का इंतजार हमेशा रहेगा और वह मालिक हम पर दया मेहर जरूर करेगा। बस आप विश्वास करें और भजन सुनन करते रहे। सत्संग जी, जितना ज़्यादा भजन सुनन करेंगे वह मालिक की दात उतनी ज़्यादा आप पर बख्शती रहेगी। तो कोशिश करें कि आप भजन सुनन में रहे, चाहे कितनी दुख मुसीबत परेशानी आए, जरूर आशा की किरण नहीं सुबह लेकर और उम्मीदों के साथ जरूर आएगी और आपकी जिंदगी भी संत सदगुरु की दया मेहर से बदल जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप